जिला मैनपुरी के एनके कॉलेज जागीर में क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान का यूसुफ पठान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। यूसुफ पठान का कहना है कि मैं इस एकेडमी का कोच हूं और मैं मैनपुरी से प्रतिवर्ष जो बच्चे क्रिकेट में अपनी लगन और मेहनत से देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, चाहे वे गरीब बच्चा हो या अमीर, यह क्रिकेट ऑफ एकेडमी हर बच्चे के लिए प्रथम सीढ़ी का काम करेगी। कड़ी मेहनत से ही इंडिया क्रिकेट टीम में जगह बनाई जा सकती है। पैसा और अप्रोच कोई मायने नहीं रखता। मैनपुरी अवनीश शाके की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के कुबरी घाट गंगा नदी के विभिन्न घाट में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लाखों भक्तों ने नदी में स्नान पूजन कर पुण्य अर्जित किए। कड़ा धाम पहलना घाट, संदीप पन मुनि घाट, बदनपुर घाट, महिला घाट, महेवा घाट, कांकरा बद घाट, फतेहपुर घाट सहित विभिन्न गंगा यमुना नदी घाट पे स्नान करने वालों की दोपहर बाद तक भीड़ लगी रही, जिसके चलते प्रमुख बाजारों में भी मेले जैसी भीड़ का माहौल बना रहा। मकर संक्रांति के पर्व पर यमुना नदी के किनारे स्थित बासगिरी पर्वत पर ऐतिहासिक विशाल मेला लगता है। मान्यता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने इस पर्वत पर कई वर्ष व्यतीत किए थे, जहां दूर दराज से लोग आज भी मेले में पहुंचते हैं। मेले की यह परंपरा युगों से चली आ रही है और इस वर्ष भी मेले में लाखों नर नारी बच्चे पहुंचे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर स्नान पर्व और प्रभासगिरी मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। कौशाम्बी से आरपी यादव की रिपोर्ट।